हेलो गाइस, विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बनाने जा रहे हैं सांता क्लॉस केक। केक मैंने ऑलरेडी बेक कर लिया है, मैं आपको आइसिंग का ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। कोई भी इसे इजीली बना सकता है, मैंने इसमें सिर्फ दो तरीके के नोजल यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने केक बेस को 3 लेयर्स में कट कर लिया है, उसके बाद मैंने उसमें स्प्रेड कर लिया है शुगर सिरप, और फिर उसके बाद हम स्प्रेड करेंगे व्हिपिंग क्रीम, और उसके बाद मैं थोड़ी सी चेरीज भी स्प्रेड कर लूँगी। यही सेम प्रोसेस मैं तीनों लेयर्स के लिए करूँगी। उसके बाद हम व्हिपिंग क्रीम से पूरे केक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। क्रीम से मैं पूरे केक को कवर कर रही हूँ, उसको मैंने थोड़ा ऑफ वाइट शेड कर दिया है सो दैट सांता क्लॉस के स्किन का कलर आ जाए। और ये ऑफ वाइट शेड या स्किन कलर का शेड लाने के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम में बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर लिया है। अब इस तरीके से केक को अच्छे से कवर करने के बाद मैं लूँगी ओपन स्टार नोजल और वाइट कलर की व्हिप्ड क्रीम से हम इस तरीके के रोजेस बना लेंगे। अब उसी सेम नोजल से हम सांता क्लॉस के फेस की आउटलाइनिंग कर लेंगे। अगर आपको आउटलाइनिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है तो आप टूथपिक से भी पहले आउटलाइनिंग कर सकते हैं और उसके बाद नोजल से आउटलाइनिंग कर ले, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। अब बाकी के पूरे साइड्स पे हम छोटे छोटे स्टार्स बना के पूरे साइड्स को कवर कर लेंगे। उसी सेम स्टार नोजल से हम सांता क्लॉस की मूंछें बना लेंगे इस तरीके से। अब मैंने लिया है राउंड स्टार नोजल और रेड कलर की व्हिप्ड क्रीम से मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं, जिससे कि सांता क्लॉस की कैप बन जाए। और सबसे लास्ट में सांता क्लॉस की आईज बनाने के लिए मैंने ब्लैक फोंडेंट को राउंड कट कर लिया है और उसे मैं इस तरीके से लगा दूंगी। और लास्ट में मैं थोड़ी एडिबल ग्लिटर डस्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े स्प्रिंकलर्स भी ऐड कर लूंगी। और लीजिए, आपका क्रिसमस स्पेशल मिनी सांता क्लॉस केक रेडी है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लव लव।